अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, आज एक और वीडियो आप लोगों के लिए जिसमें मैं आप लोगों को अपनी तीन एग्लोनिमा की नई और वैरायटीज़ सिखाऊंगा। कल मेरा विज़िट हुआ था एक नर्सरी पर, जिसकी वीडियो इंशाल्लाह जल्द ही आएगी, कोशिश करूंगा इसी वीक आ जाए, जहां पर बहुत ज़्यादा बल्क की तादाद में एग्लोनिमा के प्लांट्स मुझे नज़र आए। कॉमन वैरायटीज़ हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में लगाई हुई थी। तो उस नर्सरी पे विज़िट करके बहुत अच्छा लगा, तो वहाँ गया, तो बस उसी खूबसूरती की वजह से मैंने कहा चलो कि ये प्लांट्स भी ले लेते हैं। तो तीन एग्लोनिमा की वैरायटीज़ मैंने ली हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ कि कौन सी वैरायटीज़ ली हैं। कॉमन हैं, जिसमें से दो अच्छी हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये एक एग्लोनिमा की वैरायटी मैंने ली है, ये देखें, जिसके लीव्स इस तरीके के हैं, ये देखें। बहुत सारे लोगों के पास ये हो गई ये वैरायटी, देखें इसका ये नया लीफ इस तरह से निकल रहा है, और इसमें दो प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये दो प्लांट्स लगे हुए हैं इसमें, ये इस तरीके के ये प्लांट है। एक ये वैरायटी मैंने ली है, और फिर आगे देख लेते हैं, इसको साइड पर रख लेते हैं। फिर मैंने एक ये वैरायटी ली है, ये मुझे थोड़े से अच्छे लगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग है और ये इतना कॉमन नहीं है, लेकिन इसके लीव्स का पैटर्न इस तरीके से होता है। सुभान अल्लाह नर्सरी जो होती है, वहाँ पर मैंने ये एग्लोनिमा की वैरायटी देखी थी। सुभान अल्लाह नर्सरी या सुभान अल्लाह नर्सरी का जो फॉर्म था, वहाँ पर मैंने इसको देखे थे। तो ये एक वैरायटी है, ये लेकर आया हूँ, जिसके लीव्स इस तरीके से हैं, ये मुझे अच्छे लगे थे, इस मैंने ले लिए। इनके पास से थोड़े प्लांट्स थे, इतने नहीं थे, ये वाली वैरायटी उनके पास बहुत सारी थी। तो ये एक लेकर आया हूँ, जिसके लीव्स इस तरीके के हैं, इसके नए लीव्स भी निकल रहे हैं। इसके अंदर एक प्लांट है और उस वाले में दो प्लांट्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक और इससे अच्छी वैरायटी, जिसका कंफर्म नहीं हो पा रहा कि कौन सी वैरायटी है, लेकिन ये मुझे अच्छी वैरायटी लग रही है और इन दोनों से अलग लग रही है और थोड़ी सी अलग है। इसके लीव्स अगर गौर करें, इसके लीव्स जो हैं गोल शेप के हैं, ठीक है, ये दोनों जो हैं ये लंबे इसके लीव्स हैं, लेकिन इस तरीके के नहीं है, जैसे कि गोल। अभी तो फ़िलहाल ये पान की शेप में आ रहे हैं, हो सकता है जैसे जैसे बड़ा हो जाए ये और इनकी शेप मेंटेन हो जाए। और इसके लीव्स का पैटर्न देखें, लीव्स के पे भी अलग अलग तरीके के आ रहे हैं, तो ये मुझे थोड़ी अलग चीज़ लग रही है, लेकिन इस तरीके के लिए हैं। ये भी बहुत सारी जगहों पर है, लोगों के पास है, लेकिन इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। और ये अब देखें, जैसे जैसे ये इसका ये नया वाला लीव इस तरीके से खिल रहा है। एग्लोनिमा या बहुत सारे प्लांट्स ऐसे, जैसे जैसे मेच्योर होते हैं तो फिर वो अपनी असल शेप लेकर आते हैं। तब देखते हैं ये क्या चीज़ निकलती है, लेकिन ये मुझे एक अच्छी वैरायटी लग रही थी जिसको मैंने लिया। और अब देखें इसका बेस का जो लीफ है वो इस तरीके का है। ओके, तो फिर इस वैरायटी के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो ये फिर है, और इसमें कितने प्लांट्स लगे हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर दो प्लांट्स लगे हुए हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इसको थोड़ा सा घुमा देता हूँ, ये देखें, अब यहाँ से नज़र आना शुरू हो जाएगा कि इसके अंदर दो प्लांट्स लगे हुए हैं और पॉटिंग सॉइल इसके अंदर फुल। अभी मुझे खाद के कंटेंट काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो खैर ये प्लांट्स हैं जो कि मैं कल लेकर आया था, और सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा है, फिर मुझे ये लग रहा है, फिर ये था। खैर तीनों प्लांट्स अच्छे हैं, लेकिन अगर वर्थ की बात करें और ख़ूबसूरती, तो ये फिर ये फिर ये, तो इस तरीके से खैर इनको मैं इंशाल्लाह अपने ऊपर रख दूंगा। और जैसे जैसे इनको अभी मैं मजीद इनके बारे में बता देता हूँ कि इनके केयर के हवाले से, ये इंडोर प्लांट्स हैं तीनों, और इस वक्त पाकिस्तान के तमाम शहरों में जहाँ पे चारों किस्म का मौसम होता है, जहाँ पे गर्मी सर्दी आती, तो अभी इस वक्त डोरमेंसी, सर्दियों का मौसम स्टार्ट होने वाला है, सर्दियों में डोरमेंसी शुरू हो जाती है प्लांट्स की, तो इन प्लांट्स एग्लोनिमा के जो प्लांट्स हैं ये भी डोरमेंसी में चले जाएंगे। इस वक्त परचेजिंग करना सिर्फ उस कंडीशन में अच्छा रहता है कि अगर आपको कोई स्पेशल वैरायटी मिल रही है, जैसे मुझे ये एक अच्छी वैरायटी मिल रही थी, जैसे ये मिल रही थी तो मैंने ले ली, अदरवाइज़ मैं परचेजिंग नहीं करूँगा इस वक्त, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता डोरमेंसी में स्टार्ट हो रही, एक महीने बाद प्लांट डोरमेंट हो जाएंगे। तो इस केस में क्या करना होगा कि सबसे पहले इनकी केयर करिए, इंडोर प्लांट्स हैं और इनको ब्राइट एरिया में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है इनको, और ना ही अंधेरे वाली जगह में रखना है इनको। इनको इस वक्त मैं बिल्कुल ऐसे ही गमले में रखे रहने दूंगा, इनको ट्रांसप्लांट नहीं करूंगा किसी भी केस में, क्योंकि जैसे मैंने बताया डोरमेंसी शुरू होने वाली है, तो बस एक महीने के
ये हैं हमारे पास। उसके बाद ये स्लीपिंग स्टेट में चले जाएंगे, फिर उसके बाद फेब या मार्च में ये ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। तो इनको ऐसे ही रख दूंगा, फिर फेब या मार्च में इनको रिपॉट करूंगा, इनको 6 इंचेस का ये जो गमला है इससे फिर इसके अंदर ट्रांसफ़र करूंगा। 50% खाद, 50% मिट्टी, इस कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं। मेरे एक अपने स्पेशल पॉटिंग मीडिया है उसमें मैं लगा रहा हूँ, वो बहुत लाइट वेट होता है तो उसमें मैं लगाऊंगा। तो दोनों वेस जो आपको पॉटिंग मीडिया सूट करे आप उसमें लगा सकते हैं। और बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इन प्लांट्स के बारे में। इंशाल्लाह जब इनको मैं ट्रांसप्लांट करने के लिए जा रहा हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्लांट्स अच्छे लगे हों। आप लोगों के पास इनमें से कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं ज़रूर बताइएगा, और ये कैसे लगी तो इस बारे में भी बताइएगा। वीडियो को एंड करते हैं, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।